राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जैसा कि करवा चौथ व्रत की पूजा के लिए हम सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, तो मेकअप में ये ध्यान रखती हैं कि कौन सी चीज़ के बाद क्या लगाना है, जैसे कि फाउंडेशन पाउडर के बाद लिपस्टिक या काजल लगाएं ताकि वो फैले नहीं। उसी तरह से बहनों, भगवान की पूजा का भी क्रम याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ के बाद कौन सी वस्तु अर्पित करने का नियम होता है, तभी तो भगवान हमारा प्रेम भाव स्वीकार करेंगे और तभी व्रत और पूजा सफल होती है। तो चलिए, पूजा की तैयारी करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। तो फूल या फिर कुशा के मदद से गंगा माँ का ध्यान करते हुए अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। और फिर बिना आचमन के भी पूजा अधूरी मानी जाती है, तो हर एक विधि करनी तो है ही नियम करने के लिए। तो इसमें हम आचमन का जल पिएंगे नहीं, बल्कि मुख से स्पर्श करा करके और नीचे गिरा देंगे। तो सीधे हाथ से आचमन करने के लिए बोलिएगा, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार तीन बार करने के बाद चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लीजिएगा। फिर चौथ माता, और जैसे कि नारद पुराण में शिव परिवार के पूजन का विशेष वर्णन मिलता है, तो इन्हें आसन प्रदान करने के बाद हम दो गेहूं की ढेरिया लगाएंगे। यहाँ पर हम करवे रखेंगे, तो दोनों करवे रखने से पहले थोड़ा सा हम इन्हें जो है जल से शुद्ध कर लेंगे। वैसे पहले ही आप जल से शुद्ध कर लीजिएगा और फिर एक करवे को हम यहाँ पर रख करके इसमें जल भरेंगे और फिर थोड़ा सा इसके अंदर अक्षत डालने के साथ ही इसके ऊपर भी मैं अक्षत ही रख दूंगी। और फिर इस करवे में हम फल, ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयाँ भरते हैं, तो वो हम जो है इस करवे में भर देंगे। मिठाइयाँ आदि डालने के बाद इसके ऊपर भी मैं अक्षत से भरा दीपक रखती हूँ। जो लोग गुलगुले रखते हैं वो गुलगुले रख सकते हैं। यहाँ कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाऊंगी। तो अगर आपका लकड़ी का पाटा छोटा हो तो आप धरती में भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। प्रकार से अष्टदल कमल बनाने के बाद कलश रखने के लिए कलश पात्र में मौली धागा जरूर बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश रखने के बाद कलश के अंदर जल डालेंगे और गंगा जल डालेंगे। फिर कलश को ढक करके थोड़ा सा यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो भी नदियों का नाम याद आए, और फिर इसके अंदर चावल, फूल, हल्दी, सुपारी और दक्षिणा डालनी चाहिए, तो वो हम डालेंगे। फिर आम के पत्ते लगाने के बाद इसके ऊपर सप्तधान्यों में से कोई धान रखा जाता है, हमने जवा रखे हैं, और दीपक रखने के साथ ही दीप कलश का निर्माण हो जाता है। फिर हम अक्षत से यहाँ पर चंद्र देवता इसलिए बना रहे हैं कि सभी के साथ इनका भी 16 तरीकों से पूजन हो जाएगा। चतुर्थी का चांद जैसे थोड़ा सा कम होता है, उसी तरह से बनाने का प्रयास किया है, आप भी इसी प्रकार बना सकते हैं। अब हम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और फिर भगवान से एक प्रार्थना बोलनी होती पूजा के पहले, जिसे संकल्प भी कहते हैं। हाथ में चावल, फूल और जल डाल लीजिएगा। बोलना है कि मैंने जो पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया है, उसी की पूर्णता के लिए शिव परिवार सहित चौथ माता, चंद्रदेव और कलश के पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। खड़े हाथों से संकल्प रखने की मुद्रा जरूर ध्यान रखिएगा और रखने के बाद आप कुशा वापस भी उठा सकते हैं पूजा के लिए। भगवान को बुलाना भी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान के लिए हम फूल लेकर के बोलेंगे, हे गौरी गणेश, शंकर, कार्तिकेय भगवान, चौथ माता, चंद्र देव और कलश के सभी देवी देवताओं, करवा चौथ व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा भी स्वीकार करें। ऐसा कहते हुए ध्यान के लिए गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः, शिवाय नमः, कार्तिकेय नमः, कुश ना याद आए तो जय चौथ माता, जय चंद्र देवता, जय कलश के सभी देवी देवताओं, ऐसा कहते हुए फूल अर्पित करेंगे चरणों में। और फिर इन्हीं फूलों पर हम सभी को जल अर्पित करेंगे, श्री गणेश से अर्पित करते हुए माता गौरी को, और सभी को चार चार बार आप जल अर्पित करें। जय चंद्र देवता। कलश में भी जल अर्पित करने के बाद हम करवों का भी थोड़ा सा शुद्धिकरण कर देंगे, पूरी पूजा करवों की भी अवश्य होगी। स्नान इत्यादि कराने के बाद सभी को हम वस्त्र स्वरूप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को कच्चा सूत हम अर्पित करेंगे, साथ ही साथ भगवान चंद्र देवता को भी सभी सफ़ेद चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं, इसलिए वस्त्र स्वरूप कच्चा सूत अर्पित कर दीजिए। और फिर वस्त्र इत्यादि अर्पित करने के बाद ध्यान रखिएगा, श्रृंगार में जिन्हें जो चीज़ें प्रिय होती हैं वही अर्पित करना चाहिए। जैसे कि गौरी गणेश को हल्दी और सिंदूर लगाया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन ही प्रिय होता है, तो उन्हें आप सफ़ेद चंदन ही लगाएंगे। इस प्रकार से आप थोड़ा सा जल रख लें और हाथ धो करके सफ़ेद चंदन हम भगवान शिव शंकर को और चंद्र देवता को भी सफ़ेद चंदन ही अर्पित करेंगे। इस प्रकार से दूर से आप छिड़क सकते हैं। साथ ही साथ करवा माता को भी हम हल्दी और सिंदूर लगाएंगे, कुमकुम अर्पित कर देंगे। और कलश में अर्पित करने के बाद करवों का भी पूजन कर देना है। करवों में तो
जो है 13-13 भी बिंदियां लगाने का प्रचलन होता है कई स्थानों पर। हल्दी कुमकुम से करवों का पूजन करने के बाद अब हम कुछ श्रृंगार की सामग्री गौरी माता को अर्पित करेंगे और इसे प्रसाद स्वरूप हम पहन लेंगे। और जो हम सास के लिए वायना लाते हैं जिसमें साड़ी भी होती है, उसको हम चौथ माता से स्पर्श करा करके और फिर पूजा करने के बाद सास को दान कर देते हैं। फिर हम जो है भगवान को फूल अर्पित करेंगे। गौरी माता को लाल पुष्प प्रिय होते हैं, भगवान भोलेनाथ को और चंद्र देवता को सफेद पुष्प अर्पित कीजिएगा। चौथ माता को भी पुष्प अर्पित करने के बाद हम एक एक पुष्प करवों में भी चढ़ा देंगे, कलश में भी अर्पित करेंगे। फिर धूप बत्ती जला करके भगवान को धूप दिखाना चाहिए और फिर या तो आप प्रत्यक्ष दीपक प्रज्वलित करिए या फिर अक्षतों के माध्यम से भी दीप करने की भावना की जा सकती है घुमाते हुए। तो दीप पूजा के बीच में भी अवश्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब भगवान को नैवेद्य का भोग अर्पित करना चाहिए। तो जो भी नैवेद्य आपने बनाया हो, गुलगुले हो, दूध से बनी मिठाइयाँ हो, सभी को भोग अर्पित करें। हमने सभी को एक साथ ही अर्पित कर दिया है, आप मौसमी फल अर्पित करें। भोग लगाने का एक विशेष नियम होता है कि भोग जो है जल का घेरा लगा करके ही अर्पित किया जाता है। तो हमेशा भोग की थाली रख करके इस प्रकार से 3 बार जल अवश्य फेरा करें। भोग लगाने के बाद सभी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले श्री गणेश को अर्पित करते हुए सभी को जो है पान सुपारी जरूर अर्पित करें। इस तरह से हमने सभी को पान अर्पित कर दिया है। पूजा हो जाने के बाद गेहूं के 13 दाने लेकर के जो है करवा चौथ की व्रत कथा सुनी जाती है। थोड़ा सा व्रत कथा पुस्तक में भी हमने अक्षत अर्पित किया है और गेहूं के 13 दाने लेकर के हम करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। मैंने अपने चैनल पर करवा चौथ व्रत कथा ऐसे डाली कि स्क्रीन पे पूजा दिखाई है, साथ ही साथ उसमें व्रत कथा सुनाई है ऑडियो में। उस वीडियो को प्ले करके आप कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये गेहूं के दाने जो है हम माता को अर्पित करेंगे। कथा के बाद आप हवन भी कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कहते हैं कि अकेले हवन नहीं करना चाहिए, पति पत्नी साथ बैठकर के ही हवन करें। अगर आप साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ किया जाता है इसलिए बता रही हूँ। कहते हैं कि अग्नि के माध्यम से भगवान भोग ग्रहण करते हैं, इसलिए हर व्रत में हम करते ही हैं। तो अग्नि प्रज्वलित करके जल घुमाते हुए थोड़ा अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन कर लेना चाहिए। फिर विद्वत रूप से आप गंगणपतये स्वाहा बोलते शिवाय स्वाहा, गौरी देव्य स्वाहा, चंद्रमशेष स्वाहा, चौथ मात्राभ्यो नमः स्वाहा, ऐसा बोलते हुए हवन करें, जल घुमाते हुए प्रणाम कर लें अग्नि देवता को। कथा सुनने के बाद आरती करने के लिए आरती थाल सजाएं, जल घुमाते हुए चंदन अक्षत पुष्प इत्यादि से दीप देवता का भी पूजन कर लेना चाहिए। फिर विद्वत रूप से खड़े होकर के श्री गणेश भगवान की आरती गानी चाहिए। श्री गणेश की आरती करने के साथ ही सभी की आरती उतारें। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा की जाती है और फिर हाथों में फूल लेकर के भगवान से क्षमा याचना की जाती है। पूजा पाठ व्रत में हुई गलतियों के लिए भगवान हमें क्षमा करें और पुष्पांजलि अर्पित करें। बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए जो है अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। अब मैं आपको करवा बदलने की विधि बता देती हूँ, लेकिन ग्रंथों में ऐसी कोई करवा बदलने की विधि का वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए हमारे क्षेत्र में नहीं किया जाता है, मैं नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में होता है तो आप क्या करेंगे, चौथ माता की फोटो में जो कलश बना होता है या करवा बना होता है उसी में स्पर्श कराते हुए बोलेंगे हे माँ करवा लो, और रखते हुए बोलेंगे हे माँ करवा दो, करवा लो, हे माँ करवा दो, हे माँ करवा लो, करवा दो, ऐसा बोलते हुए 3 या 5-7 बार जो है आप करवा बदलने की विधि कर सकते हैं। अगर दोनों करवों में एक ही चीज़ भरी हुई है कि दोनों में मिठाइयाँ भरी हैं या फिर दोनों में जो है जल भरा हुआ है, तो आप इस प्रकार से भी करवा दो, करवा लो कहते हुए करवा बदलने की विधि कर सकते हैं। पूरी पूजा हो जाने के बाद सुहाग लेने की विधि जरूर करें। आँचल की मदद से गौरी माता को सिंदूर लगा करके अपनी माथे पर जरूर लगाएं और फिर उसी आँचल का दूसरा छोर पकड़ करके चौथ माता को सिंदूर लगा करके चौथ माता से भी सुहाग लेने की विधि जरूर करें। हम जो है चलनी का पूजन करना भूल गए थे, तो थोड़ा सा इसको हम रख करके, क्योंकि हमारे धर्म में हर एक केस का पूजन किया जाता है, तो थोड़ा सा जल से पवित्र करके हल्दी कुमकुम लगा करके अक्षत अर्पित करते हुए चलनी का भी पूजन कर देंगे। इस प्रकार से पूजा जब पूरी हो जाती है, चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करने के लिए हम आसन से उठते हैं। चूंकि हम जिस स्थान पर बैठ के पूजा कर रहे थे वहां पर हमारी पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, अगर हमने उसने नहीं लिया तो वो व्यर्थ चली जाती है। इसलिए जिस आसन पर बैठ के पूजा कर रहे थे उसको थोड़ा सा पीछे खिसकाइए और उस आसन के नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से जल डालना होता है और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल 3 बार अपने माथे पे लगा लिया जाता है ताकि पूजा की ऊर्जा हम ग्रहण कर सकें। और थाली तैयार करेंगे चंद्र देवता को अर्पण करने के लिए और पति का पूजन करने के लिए। करवा रखा था
ये चंद्र देवता की पूजा के लिए ही हम रखते हैं। फिर थाली ले जा करके हम चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करेंगे। वैसे चंद्रमा को अर्घ प्रदान करने के लिए कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, कौन कौन सी पूजा में क्या क्या विधि करनी है, पति का पूजन कैसे करना है, इसके लिए अलग से बड़ा वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे संक्षिप्त से बता रही हूँ, 5 उपचार से पूजन करना है, यानी चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, थोड़ा सा भोग लगा दीजिएगा। दीपक चंद्रमा को अर्पित करके चलनी में रख करके पतिदेव के दर्शन करिएगा। और फिर जो है दर्शन करने के बाद तिलक करिएगा हल्दी अक्षत से, कुछ मिठाई खिलाने के बाद पानी पिलाइएगा पति को, फिर पति वही पानी जो है आपको पिला करके आपका व्रत खोलेंगे, पति का आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो इसी तरह से शास्त्रीय विधि से करवा चौथ व्रत और पूजा के मैंने 15 से 20 वीडियो बनाए हुए हैं, जिन्हें देखने